नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं से संबंधित सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है HSDD। HSDD क्या है, किन किन कारणों की वजह से ये डेवलप होता है, कैसे HSDD को अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसके साथ में होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस पावर में कितने समय तक दी जा सकती है, ये मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें। दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेल मौर्या, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका जीन्यून और प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप तक पहुँचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे HSDD, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, यानी फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल जो ड्राइव होती है उसकी कमी आना या बिल्कुल ही खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों HSDD। HSDD की जो समस्या होती है, जैसे मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की समस्या होती है, इसी तरीके से महिलाओं के अंदर भी सेक्स के प्रति जो रुचि होती है वो धीरे धीरे या तो कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उन केसेस को अपन इस HSDD के अंदर मानते हैं। ये जो समस्या है दोस्तों महिलाओं के अंदर वर्ष पर्यंत देखने को मिल सकती है या फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, ये समस्या होती रहती है। इसका सबसे जो मेजर रीजन होता है हार्मोन चेंजेस की वजह से, आगे हम कारणों पे भी चर्चा करेंगे किन किन कारणों की वजह से ये चीज़ें डेवलप हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें डेवलप होने के बाद में आपके जो है वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं या कुछ समस्याएँ खड़ी होती है, तो इनका सही समय पर समाधान भी अति आवश्यक होता है। दोस्तों, ये जो समस्या है 18 से लेकर 159 की जो एज की महिलाएं होती हैं उनकी 1/3 यानी 1/3 महिलाओं के अंदर ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। इसका सबसे सीधा सा यही सेंस है कि जिन महिलाओं के अंदर सेक्सुअल थॉट्स या फैंसीज नहीं आती है या सेक्सुअल तरीके से किसी भी तरीके के उनके विचार दिमाग में नहीं आते हैं, उनके दिमाग के अंदर किसी तरीके का सेक्सुअल थ्रिल नहीं होता है, जिसको डे ड्रीम भी बोलते हैं, इस तरीके की उनके विचार उनके दिमाग में बनते ही नहीं हैं या इंटरेस्ट ही उनके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो ये केस आते हैं HSDD के। अब HSDD को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल होता है या इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, यानी कि जिन महिलाओं के अंदर लंबे समय से किसी भी तरीके की सेक्सुअल थॉट्स नहीं आती है या सेक्स के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं होता है या इंटरेस्ट होता तो बहुत ही साल में एक दो बार बहुत कम समय के लिए उनके अंदर रहता है, तो ये जो केसेस होते हैं दोस्तों HSDD के केसेस होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स या थॉट्स हैं या फैंसीज हैं जो भी हार्मोन चेंजेस की वजह से होती हैं या जिन कारणों की वजह से होती हैं, उन कारणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके मेजर जो कारण माने गए हैं दो, फिजिकल कारण यानी कि शारीरिक रूप से क्या कारण हो सकते हैं, दूसरा रहता है साइकोलॉजिकल दिमागी रूप से क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिजिकल कारणों का दोस्तों हम चर्चा इसलिए करते हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको अपन पहचान पाते हैं कि अपने अंदर ये कारण है और उन कारणों को अपन उनसे छुटकारा पाते हैं तो स्वतः ही ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, यानी उन केसेज के अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल कारणों के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल कारण का सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों वो है डिस्पेरोनिया। डिस्पेरोनिया का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर पेन का होना या दर्द का होना, ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। मैक्सिमम जो कारण होते हैं वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से या हार्मोन चेंजेस की वजह से या वहाँ पर किसी भी तरीके का स्कार बन गया हो या किसी तरीके की कोई ऐसे इरोजन्स बन गए हो, तो ये जो छोटे छोटे कारण होते हैं उनकी वजह से भी ये दिक्कतें होती हैं। फिजिकल रीजंस के साथ साथ में कुछ डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से भी ये दिक्कत होती है, आर्थराइटिस की है, हाइपरटेंशन है या डिप्रेशन की जो समस्याएं हैं उनके अंदर, थायराइड की समस्या है, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर, या कार्डियक जो डिजीज़ हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उनके अंदर भी ये जो है लो सेक्सुअल ड्राइव की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ में काफ़ी सारे कारण होते हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस की, आपके अंदर मोटापा ज़्यादा है या आपके अंदर हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बर्थ के बाद में हार्मोन होते हैं या बच्चों को फीड करवाते हैं उस टाइम हार्मोन चेंजेस होते हैं, मेनोपोज के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो हार्मोन चेंजेस या जो लोग पिल्स यूज़ करते हैं हार्मोन पिल्स उनके अंदर भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सर्जरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार क्या होता है कि ऐसी सर्जरी करनी पड़ती है उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, एपिजियोटमी के बाद में ऐसे कुछ होते हैं टिश्यूज़ रह जाते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए दिक्कत करते हैं, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं तो दोस्तों जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल ड्राइव फीमेल्स के अंदर कम देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि दोस्तों जो साइकोलॉजिकल कारण भी इसके पीछे अहम रोल करते हैं, जैसे किसी भी फीमेल्स के अंदर ये सेक्स के प्रति जो इनकी थॉट्स होती है, जो नज़रिया होता है शुरुआत से ही उनका नेगेटिव होता है,
उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी आपको सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, किसी तरीके की थॉट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको सही समय पर ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। या जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस से पीड़ित रहते हैं उनके अंदर भी, फीमेल्स के अंदर ये समस्या देखने को मिल सकती है। या जिनका लो जो एस्टीम होता है, अपना आत्मसम्मान होता है, उनमें कमी होती है, या जो अपनी बॉडी की जो इमेज होती है उनके दिमाग के अंदर नेगेटिव बनी रहती है, तो भी उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ जो केसेज होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके किसी भी तरीके के जो पारिवारिक जो हैं आपके, किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, विवाद चल रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपके रिलेशन सही नहीं है, या आप किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट से आप पहले ग्रसित रह चुके हैं, तो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हो जाती हैं। या आजकल की जो मीडिया है वो भी एक नेगेटिविटी पैदा कर देती है, सोशल मीडिया की वजह से भी जो नेगेटिविटी दिमाग में पैदा हो जाती है उनकी वजह से भी ये चीज़ें कम होने लग जाती है। तो दोस्तों मोटे मोटे ये कारणों की वजह से सेक्सुअल ड्राइव जो होती है फीमेल्स के अंदर कम होती है। अब अपन बात करते हैं कि इन सेक्सुअल डिजायर जो फीमेल्स के अंदर कम होती है, आपकी रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ने लग जाता है, मेल पार्टनर की जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उनको फीमेल्स पूरी नहीं कर पाती है। तो उन चीज़ों को दोस्तों एक सिस्टमेटिकली देखा जाता है कि किन किन कारणों की वजह से ये डेवलप हुई है, उनको ट्रीट किया जाए तो आसानी से आप नॉर्मल लाइफ के अंदर आ सकते हैं, जो ये समस्या है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है जिनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स या कोज के अकॉर्डिंग देते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। टॉप लीडिंग मेडिसिन में दोस्तों बात करना चाहूँगा एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस जिस तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या मेल्स के अंदर भी वर्क करती है, उसी तरीके से फीमेल में भी ये अच्छा वर्क करती है। फीमेल्स के अंदर जहाँ पर लो सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्सुअल की जो डिजायर ही नहीं होती है, या उनके जो पार्ट्स होते हैं बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उनके अंदर किसी तरीके का एक्साइटमेंट नहीं होता है, फीमेल्स होती हैं बिल्कुल डिप्रेस हो जाती हैं, उनके बारे में बिल्कुल थॉट्स ही नहीं बन पाती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, तो उन केसेज के अंदर एग्नस कास्टस मदर टिंचर, और कुछ केसेज जो क्रोनिक केस होते हैं उनमें 30 पावर की जो है पोटेंसी की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों सेकंड जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया खास तौर से उन लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों के यूट्रस से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, साथ साथ के अंदर उनकी पेल्विक फ्लोर में जो मसल्स होती हैं उनमें रिलैक्सेशन अगर महसूस करती हैं, किसी तरीके का उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता, किसी के सेक्सुअल डिज़ायर उनके अंदर नहीं होती है, उन केसेज के साथ साथ में जो सेक्सुअल डिज़ायर सेक्सुअल थॉट्स भी अगर उनके दिमाग में आ जाता है तो उनको इरिटेशन होने लग जाता है, इवन कुछ फीमेल्स के अंदर नोजिया जैसा भी उनको फील होता है, तो इन केसेज के अंदर सीपिया 30 पावर की मेडिसिन है, उसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार यूज की जा सकती है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ओनोसमोडियम। ओनोसमोडियम उन केसेज के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जिनकी सेक्सुअल पावर होता है कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, किसी तरीके की उनकी थॉट्स होती हैं बिल्कुल आती नहीं है, इस तरीके की एक्टिविटी, किसी तरीके का एक्साइटमेंट उनके अंदर सेक्सुअल नहीं रहता है, उनका कंसंट्रेशन उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं रहता है, उन केसेज के अंदर ओनोसमोडियम 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। फोर्थ नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों डेमियाना। डेमियाना जो मदर टिंचर है इसकी 15 बूंद आधा कप पानी में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है उन फीमेल्स के लिए जहां पर वर्क स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से उनका मेंटली जो एग्जॉशन हो जाता है वो इनका इसमें सेक्सुअल थॉट्स नहीं आ पाती हैं या डिजायर ही नहीं होती, उन केसेस के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है डेमियाना मदर टिंचर। यानी कि दिमागी रूप से जो प्रोस्टेशन हो जाता है या एग्जॉशन हो जाता है किसी भी बिजनेस की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, या घरेलू किसी भी कारणों की वजह से, तो इनमें अच्छा वर्क करती है डेमियाना। इसके बाद दोस्तों मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस उन केसेज में बेटर वर्क करती है जहाँ पर वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइनल इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ साथ के अंदर उनके किसी भी तरीके का सेक्सुअल अवर्जेंस होने लग जाता है, यानी कि उनको सेक्स के प्रति बिल्कुल ही घृणा जैसी दिमाग के अंदर बनने लग जाती है, उन केसेज में भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन किसी भी आपके नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर से अवेलेबल हो सकती है, अगर अवेलेबल नहीं होती है, अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो हमारी दी गई वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कंसल्टेशन हमारे से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों किसी भी तरीके की वीडियो की डिमांड वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ऐसे ही आगे आपको मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय होम्योपैथी।